हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वेज इडली। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हो गई है, और इसे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, आ रहा है ना मुँह में पानी। इसे बनाने के लिए हमने ली है सूजी, सूजी हमने ली है 2 कप, और कर्ड जो है हमने लिया है 1 कप। अगर आप सूजी जितना भी लें उससे आधा आप दही लें। साथ में हमने आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हमने एक ही यूज की है क्योंकि बच्चे हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए। साथ ही हमने लिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये हमने 2-2 चुटकी के आसपास लिया है, ज़्यादा आप ना लें। अब हमने कोई भी बर्तन ले आप, उसमें सूजी को डालें। ये देखिए हमने सूजी को डाल लिया है। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि हमने ऐड किया नमक, रेड चिल्ली पाउडर और सूजी जो है हमारी, उसकी जो क्वालिटी है वो हल्की सी मोटी है, ज़्यादा बारीक सूजी आप ना लें। फिर हमने इसमें ऐड किया है कटी हुई हमारी जो वेजिटेबल्स है, आप और भी वेजिटेबल्स इसमें कोई ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं, जो भी हमारे पास घर पर अवेलेबल हो उसी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इनको, क्योंकि नमक और जो रेड चिल्ली पाउडर वो अच्छे से सारी जगह मिक्स हो जाए, इसीलिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड, कर्ड को हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लें, चलाते रहें, धीरे धीरे ये मिक्स हो जाता है। इसमें लम्स नहीं आते हैं इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटर जो है हल्का हल्का थिक होने लग जाता है सूजी के कारण। सूजी जो है फूलती है, और फूलने के कारण बैटर जो है वो थिक हो जाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों को ऐड करेंगे। हल्का सा ऊपर से पानी डालेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए। ये देखिए हमने डाल दिया है अब इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच पानी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे कम से कम 30 से 40 सेकेंड अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि ये जो है फूल करके सूजी तैयार हो जाए। फिर आप इसे दीजिएगा 5 मिनट का रेस्ट, ज़्यादा रेस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पानी गर्म करेंगे तब तक इसे रेस्ट मिल जाएगा। अब हमने लिया है इडली स्टैंड, इसे हम रिफाइंड ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हमारी इडली है वो चिपके ना। फिर हमने इडली स्टैंड में जो है पानी डाल लिया है, पानी आप इतना ही लें जितना कि आपका स्टैंड इसमें अच्छे से रखा जाए। अब हम इसमें कोई भी स्टैंड रख लेंगे, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो। और अब हम अपनी सूजी को चेक करेंगे, ये देखिए हमारी जो सूजी है वो फूल करके तैयार हो गई है, हल्की सी थिक हो गई है ये, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन हल्का सा पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक सूजी से जब हम बनाते हैं तो एकदम अजीब सी इडली बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनती है। तो बैटर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से आपकी इडली जो है अच्छी बनेगी। ये देखिए हमने बैटर को, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम से सही कर ली है, और अब हम इसे डालेंगे इडली पैन में। इस तरीके से आप इसे इडली के मॉड्यूल्स में भर लें, सारे के सारे हमने मॉड्यूल इसी तरीके से भरकर सेट कर लिए हैं। बिल्कुल ऊपर तक आप ना भरें, क्योंकि इडली फूल कर भी थोड़ा सा स्पेस और ले लेगी और आपस में चिपक जाएगी, इसलिए हमने इसे देखिए इतना ही भरा है जितना इसे भरने की ज़रूरत थी। दोनों को हमने तैयार कर लिया है, हमारा पानी भी गर्म हो गया होगा तब तक। अब हम देखिए इस तरीके से इडली स्टैंड में ये बर्तन लगाएंगे। ये देखिए अगर आपके पास ये वाला स्टैंड ना हो तो आप कटोरी में भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हमने गैस की फ्लेम को फुल किया है, और फिर हम उसकी फ्लेम को सिम टू मीडियम कर देंगे। ज़्यादा आप फ्लेम को फुल ना रखें। 20 मिनट बाद देखिए हमारी जो इडली है चिपक नहीं रही है, अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि ये अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। गरम गरम निकालेंगे तो ये नीचे से चिपकी हुई मिलेंगी, और अगर आप इसे ठंडा होने के बाद इस तरीके से निकालेंगे तो ये देखिए निकल रही है ना अपने आप, बिल्कुल भी ये चिपकी हुई सी नहीं लग रही है। और ये देखिए बनी है ना एकदम जाली वाली सॉफ्ट इडली,
और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। कई बार हमारे पास फ्राइड इडली बनाने का टाइम नहीं होता है तो आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉयल्ड है तो ये बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए एकदम जालीदार स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हो चुकी है गाइज, और वो भी 15 से 20 मिनट में। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइज, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और टिफ़िन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। आप चाहे तो इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कैसी लगी मेरी आज की आपको ये रेसिपी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।